उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड अगर आप सवाल देखो ना, क्वेश्चन नंबर 14 तक एक ही चीज फॉलो हो रही है इसके अंदर, कि आपके पास एक इन्फिनिट सीरीज गिवन होगी, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बाइनोमियल सीरीज है। जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसके बाद आसानी से आप सम भी मालूम कर लोगे उसको, क्योंकि अगर आप देखो इसमें कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, नंबर्स ही हैं बस, तो आप आसानी से सम भी मालूम कर सकते हो। बस आपको एक्स और एन पता होना चाहिए तो आप आसानी से सम मालूम कर लोगे। तो एक्स और एन कैसे निकालोगे, वही तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये इसकी बाइनोमियल सीरीज मतलब कौन सी बाइनोमियल सीरीज है, मतलब इसमें वो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना 1 + x^n, तो एक्स और एन क्या है। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद सम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कह लो और 8 तकरीबन सेम ही किस्म के, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इनके अंदर। 7 में चलो नेगेटिव आ रहा है, उसमें भी वो खास बात नहीं है, तो देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है उसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल क्या गिवन है, 1 + 2/3 × 1/2। अच्छा, फिर है +2 × 5, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इसको पॉइंट ना लेना, × 1/2 का स्क्वायर। फिर है 2.5.8 डिवाइडेड बाय 369.1/2³। ये पूरी सीरीज है। अच्छा देखो, अगर आपने इसमें नेक्स्ट टर्म मालूम करनी है ना, वो तो आसानी से मालूम कर सकते हो। आपको पता है पैटर्न क्या चल रहा है, 2 है, फिर यहाँ 2.5 है, फिर यहाँ 2.58 है, अगली में क्या होगा 2.58/11। तो ये पैटर्न तो आप मालूम कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म तो आप मालूम कर सकते हो, असल बात है कि इसका सम मालूम करना है। सवाल में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल, मतलब इसकी इसका बाइनोमियल वर्जन आपने निकालना है कि यार इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, किस बाइनोमियल को एक्सपेंड करो, तो यही चीज आ रही है। जैसे आइडेंटिफाई कर लोगे एंड फाइंड देयर सम, उसके बाद आप सम मालूम कर लोगे। तो अभी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब इसका कोई ना कोई बाइनोमियल वर्जन होगा ना, कि आपके पास बाइनोमियल वर्जन होगा, उसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ये पूरी बाइनोमियल सीरीज आ रही होगी। तो वो जो बाइनोमियल टर्म है और उसकी जो पावर गिवन है वो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले लेट कर लो, अभी आपको नहीं पता तो आप लेट कर लो यहां पे कि जो पूरी सीरीज है ये किसी बराबर होगी 1 + x^n, और ये आपको एक्स और एन निकालना होगा। फिलहाल इसको बराबर कर देते हैं, कोई ना कोई बाइनोमियल इसकी सीरीज होगी ना, तो इसको बराबर करते हैं। अच्छा जी, शुरू की 2 टर्म की ज्यादा आपको नीड है, तो मैं शुरू की खैर 3 टर्म लिखती है, लेकिन 2 टर्म भी काफी है, काम हो जाएगा आपका। नहीं, ये 2 टर्म की जरूरत होती है, मतलब दूसरी और तीसरी की जरूरत होगी, जो चौथी है उसको छोड़ दो, जरूरत नहीं है, ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आपने लेट कर लिया, पूरी सीरीज जो है इसके बराबर है। अब आपको ये चीज निकालनी है, अब ये चीज कैसे निकालोगे, इसका आप जनरल फॉर्मूला जो है ना वो लिखो और उससे कंपेयर करवा लो। आपको पता है बट मतलब 1 + x^n आपने इसके बराबर रखा, लेकिन आपको पता है कि 1 + x^n किसके बराबर होती है, 1 + nx + n-1/2 × x^2, और ये पैटर्न चलता जाता है। तो आप क्या करो, आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा लो, बेसिकली आपको n और x चाहिए, तो आप कंपेयर करवाओ इनको। यहां पे जो nx है, जो सेकंड टर्म है वो इसके बराबर होगी, जो थर्ड टर्म है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। तो आप लिखो कंपेयरिंग, लिखो बाय कंपेयरिंग वी गेट, जब आप कंपेयर करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सबसे पहली बात nx जो है वो किसके बराबर है, 2/3 × 1/2। अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब nx जो है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। हमें काम करते हैं, इसको अपने जगह पे रहने दो, नीचे मैं लिख देता हूं क्योंकि इस इक्वेशन का काम होगा हमें, nx = 1/3, इसको हम 1 बोल देते हैं। आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद आप कुछ कर पाओगे यहाँ पे, तो स्क्वायरिंग करो, ये हो जाएगा n² x² ये हो जाएगा 1/9, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसका भी काम होगा आगे इंशाल्लाह आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो एक तो आपने ये कंपेयर किया, उसके बाद दूसरी चीज आप एंड जो इसकी तीसरी टर्म है उसको कंपेयर करो उसकी तीसरी टर्म से, तो n·1/2 लिख सकते हो आप, x² = किसके बराबर है, इसके बराबर है, 2 × 5 × 3 × 6 × 1/2². अगर आप इसको सॉल्व करो, ए 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ऊपर 5 है नीचे क्या है, 3 × 6 = 18, 18 × 2 = 36, तो ये है 5/36, तो ये आपके पास आ गई एक और इक्वेशन, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं। अब करना क्या है, आपको इन दो की जरूरत क्यों पड़ी है, मतलब आपने शुरू की मतलब दूसरी और तीसरी टर्म को क्यों आपस में कंपेयर करवाया, क्योंकि यहां पे 2 अननोन है, एक एन है और एक एक्स है, 2 अननोन के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए होती है।
तो एक इक्वेशन ये मालूम कर ली, एक इक्वेशन ये मालूम कर ली, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करोगे जरा देख लेते हैं। आप क्या करो, आप स्क्वायर दोनों को डिवाइड करवा दो, तो डिवाइड इक्वेशन 3/2, इक्वेशन ना करो आप सिंपल 3 कह दो, डिवाइड 3/2। 3 आपके पास क्या है, n n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, और इसको आपने डिवाइड करना है, इक्वेशन जो 2 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जो 3 है उसकी राइट हैंड साइड है 5/36 और जो 2 है उसकी राइट हैंड साइड है 1/9। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से ये वाला एन कैंसिल, 9 9 9 4 36। अब क्या बचे, देखो ऊपर आपके पास बच गया एन माइनस 1, इस 2 को वैसे कैंसिल कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम कर देंगे, नीचे n है तो आप लिख सकते हो 2n, यहां पे ऊपर है 5/4 क्योंकि नीचे वाली चीज तो सब कैंसिल हो गई है। मजीद कैंसिलेशन करो, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। उसके बाद इस n को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। तो सॉल्व करो, 2n माइनस 2 इक्वल टू 5n, माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5n माइनस 2n, ये हो जाएगा 3n, n की वैल्यू निकालो, n आ जाएगा -2/3। तो बच्चों ये n की वैल्यू आ गई आपके पास। n के बाद आपको क्या चाहिए, x चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको बोला था, क्योंकि इसमें आप n की वैल्यू पुट करोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में nx इक्वल टू 1/3 है ना, तो n की जगह पुट कर दो -2/3 x इक्वल टू 1/3। तो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें n की वैल्यू आपने पुट कर दी -2/3। उसके बाद आप क्या करो, सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो बेटो जैसे आप लोगों के पास x और n आ जाएगा, आपका मसला हल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन नंबर a बोल दो, तो इक्वेशन नहीं है, a बोल दो आप इसको बस। तो इक्वेशन बोल भी सकते हो, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। जब आप पुट करोगे तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, जो ए है ना उसमें आपने एन और एक्स निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 1 + x, x की जगह पुट कर दो -1/2 और एन क्या आया है, एन आया -2/3 और ये पूरा बराबर है इसके, 1 + 2/3 × 1/2 + 2 × 5 × 3 × 6/2² जो भी चल रहा है, ठीक है। तो अब आपने किया क्या है, अभी तक किया ये है कि आपने जो पूरी इन्फिनिट सीरीज थी आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। क्या आइडेंटिफाई किया है, कि ये पूरी सीरीज जो है वो बेसिकली इस चीज की है, इस बाइनोमियल की अगर पावर -2/3 हो तो ये पूरी आ रही है। मजीद अगर आपने चेक करना, चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल में क्या होता है, 1 n x, n है यहाँ पे -2/3, x है यहाँ पे -1/2, तो देखो बिल्कुल मिडिल टर्म आ रही होगी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/3 1/2 ये वाली टर्म आ रही है। तीसरी टर्म क्या होती थी, तीसरी टर्म होती थी n, n यहां पे क्या है -2/3, n - 1 ये होता था, नीचे आता था 2, यहां पे आता था x स्क्वायर क्या है यहां पे, x है -1/2 - 1/2 का स्क्वायर, तो देखो -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 स्क्वायर, वो तो मैच कर गया। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा अंदर -5/3, बाहर है -2/3, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 2/3 5/3 एग्जैक्ट वही है, 2/3 5/3, 3 से मल्टीप्लाई करके 5/6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो इन्फिनिट सीरीज गिवन थी इसको नहीं, आपको नहीं पता है किस बाइनोमियल को आपने एक्सपेंड किया तो यह आ रही थी, लेकिन अब आपने मालूम कर लिया कि भाई इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये चीज आएगी। तो इस पूरी चीज का सम किसके बराबर है, इस पूरी चीज का सम इसके बराबर है, तो जैसे आप इसको सम कर लोगे इसका मतलब आपने उस पूरी चीज का सम कैलकुलेट कर लिया, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोग नीचे रखना, मेरे पास वो जगह नहीं थी। तो ये करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो पूरी चीज है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो देखा 1/2 की पावर -2/3। देखो जब माइनस आ रहा होता है ना तो इजी हल, मैंने आप लोगों को क्या बताया है इसका, अगर शायद नहीं बताया हुआ, अगर बाहर पावर में -1 आ रहा है ना तो आप फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, वो माइनस कंपनसेट हो जाएगा, मतलब ये 1/2 है इसको आप 2/1 कर दो और माइनस को इग्नोर कर दो, इस तरह कर सकते हो आप। क्यों, क्योंकि 1/2 लिखा हुआ है ना, 1/2 पे पावर -1 है और जो 2/3 पावर है उसको फिलहाल बाहर कर देते हैं, ठीक है।
तो मतलब माइनस पावर जो है ये वन के ऊपर भी है, ये माइनस पावर टू के ऊपर भी है। तो टू को जब ऊपर लाओगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, वन को नीचे लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस पावर आपकी गई, बाहर क्या मौजूद है, टू अपॉन थ्री मौजूद है। तो सिंपल लैंग्वेज में यहां पर टू बच गया, टू की पावर टू अपॉन थ्री। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हो, टू का स्क्वायर और उसकी होल पावर वन अपॉन थ्री, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती है, टू दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वन अपॉन थ्री हो जाएगा। आपको पता है टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, और वन अपॉन थ्री मतलब क्यूब रूट। तो भाई सवाल आपका कंप्लीट हो गया, आपने पूरी चीज जो है ये मालूम कर ली। चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना पूरा, ये जो पूरी चीज है ना लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना कि ये आपने मालूम कर लिए। ये किसके बराबर है, ये बराबर है क्यूब रूट ऑफ फोर। या इस तरीके का ये भी हो सकता है कि आप ये टर्म लिखो, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाओ, ठीक है, और इसको राइट हैंड साइड बना लो। उसके बाद जैसे मैं राइट हैंड साइड बनाई है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये पूरी चीज लिख लो और फिर उसको सॉल्व करते जाओ, तो एंड पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी थ्री रूट फोर के। ये क्यूब रूट है, थ्री रूट फोर नहीं, क्यूब रूट ऑफ फोर है। तो चाहो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। तो आपने बच्चों इस सीरीज को आइडेंटिफाई भी किया, उसके बाद इसका सम भी मालूम कर लिया। तो आई गेस इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल मैथ है, आपने कंपेयर करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर थ्री इक्वेशंस में अभी काम करते हुए आ रहे थे, यही काम बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स में करना है। कोई नई चीज नहीं है जो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप लोगों करवाऊ, दो इक्वेशन बनेंगे आपने वैसे ही सॉल्व करना है। जहां तक आप क्वेश्चन नंबर सेवन की है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन वो आपको मसला नहीं करेगा, कोई काटेगा नहीं नेगेटिव आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिखा है वन माइनस थ्री अपॉइंट फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई फाइव फोर पॉइंट एट, दैट्स इट, सॉरी पॉइंट कह रहा हूं मल्टीप्लाई एट, इसके बाद आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो एनएक्स जो है वो यहाँ पे है माइनस थ्री अपॉइंट फोर, आप स्क्वायर करना ही हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नाइन अपॉइंट सिक्सटीन। दूसरी इक्वेशन है एनएक्स सॉरी एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये किसके बराबर होगा, थ्री मल्टीप्लाई फाइव फिफ्टीन फोर मल्टीप्लाई एट थर्टी टू, इसके बराबर होगा। तो आप इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देना इससे एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, और इसको डिवाइड कर दोगे नाइन अपॉन सिक्सटीन से। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एन से ये वाला एन कैंसिल, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री थ्री जा नाइन, सिक्सटीन वन जा और सिक्सटीन टू जा। तो होगा ये कि यहां से बचेगा एन माइनस वन, ये वाला टू इस एन से मल्टीप्लाई होकर टू एन, यहां पे होगा फाइव अपॉन टू और नीचे है थ्री। जब आपके पास न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में जस्ट एक नंबर लिखा हुआ है, तो टू को मल्टीप्लाई कर दो थ्री से, तो ये हो जाएगा फाइव अपॉन सिक्स, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स। मेरे ख्याल में आपको मसला नहीं है, एन को मल्टीप्लाई करवा देना फाइव से, थ्री को इधर से मल्टीप्लाई करवा दो, थ्री एन माइनस थ्री ये हो जाएगा फाइव एन, सॉल्व करो उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा थ्री एन, टू एन होगा, एन की वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस थ्री अपॉन टू। तो ऑलमोस्ट सारा सवाल मैंने ही कर दिए, एन आ गया माइनस थ्री अपॉन टू, यहाँ पे एन की जगह पुट कर देना माइनस थ्री अपॉन टू, माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो एक्स की वैल्यू सिंपल वन अपॉन टू आ जाएगी। दैट्स इट, आपकी आ गई बाइनोमियल, क्या है बाइनोमियल, वन प्लस वन अपॉन टू की पावर माइनस थ्री अपॉन टू। एक्सपेंड करके देख लेना आपके पास ये टर्म्स आ रही होंगे। जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब जरा इसका सम निकालना, ये पूरी चीज जो है ये बराबर है इसके, सम निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू की पावर माइनस थ्री अपॉन टू। अगेन मैंने वही बात बताई थी ना कि आप ऐसे प्रोगल कर देना, नेगेटिव आ रहा ना, तो ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री की पावर थ्री अपॉन टू, सही है। उसके बाद आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप जो क्यूब जो है ना ये दोनों के ऊपर लगा दो, इसके ऊपर भी क्यूब लगा दो, इसके ऊपर भी लगा दो, यहाँ पे वन बच जाएगा। तो टू का क्यूब होता है एट, थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन, वन अपॉन टू का मतलब स्क्वायर रूट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट एट अपॉन ट्वेंटी सेवन। तो बहुत ही यही सवाल है यार, कोई भी इसमें मसला नहीं होता, एग्जाम में आते भी है लॉन्ग के अंदर, बहुत ही बच्चों वाले सवाल है, तो आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद एट जो है, एट भी बड़ा इजी है, बच्चे फैक्टोरियल से घबरा जाते हैं, पता नहीं फैक्टोरियल क्या काटेगा उनको क्या करेगा। आपके पास लिखा हुआ टू प्लस फाइव अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू थ्री, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इस वाले टर्म की, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ फिर भी आता है, और आगे अगली वाली टर्म को ही लिखते। देखो इसमें गलती नहीं करना कि डायरेक्ट आप इसको एनएक्स कह दो, क्योंकि यहां पे टू जो है ये कंपेयर नहीं कर सकते आप, जब आप इसको लेट करोगे ना, लेट वन प्लस एक्स की पावर एन, तो आप इसको टू नहीं कर सकते ना बाइनोमियल में, आपको पता है कंपेयर करने के लिए बाइनोमियल में पहली टर्म वन होती है, तो आप टू को इस तरह लिखना वन प्लस वन, दैट्स इट। अब आप इसको बाइनोमियल से कंपेयर कर सकते हो, इसको पहले इस तरह लेट करना, फिर वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला मेंशन करना कि वन होता है एन एक्स होता है एन एन माइनस वन टू एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो जब आप ये लिखोगे अब आप कंपेयर कर सकते हो कि वन किससे कंपेयर हो रहा है, क्योंकि अगर पहले टू होता तो वन और टू कंपेयर करने के लिए आपको पता सेम चीज होनी चाहिए ना, वन और टू को तो कंपेयर नहीं करवा सकते, लेकिन अभी वन और वन आपस में कंपेयर हो रहा है, एनएक्स जो है वो वन के बराबर है और ये पूरी चीज इसके बराबर है, तभी मैंने कहा था इस टर्म की जरूरत नहीं है। तो यहां पे बस एनएक्स को वन के बराबर रखना, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी वन के बराबर होगा और एन एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर को बराबर रखना है इसके, टू थ्री सिक्स हो जाएगा फाइव अपॉन सिक्स, तो डिवाइड करवा देना एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को, यहां पे डिवाइड करवा देना वन से, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल एक एन कैंसिल, ये बेसिकली फाइव अपॉन सिक्स ही हो जाएगा, तो एन माइनस वन अपॉन टू एन इक्वल टू फाइव अपॉन सिक्स, सिक्स एन माइनस सिक्स टेन एन, उधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा, तो 4n बराबर हो जाएगा माइनस सिक्स के, n बराबर हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू के, n माइनस थ्री अपॉन टू है, यहां पे पुट करना, 2 को 1 से करवा दो माइनस थ्री को डिवाइड करवा दो, तो x बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस थ्री लिखो या माइनस टू अपॉन थ्री लिखो बात एक ही है, तो n की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री अपॉन टू, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू अपॉन थ्री, बाइनोमियल क्या होगी 1 माइनस टू अपॉन थ्री माइनस थ्री अपॉन टू, इसके बाद आपको सॉल्व कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है शो दैट रूट टू इज इक्वल टू वन प्लस वन, अब जो भी एक इन्फिनिट सीरीज गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 12 दिखने में लग रहे सेम टाइप के होंगे, क्योंकि इस रूट टू रूट थ्री एक ही काम करना है आपको, तो मैं 10 करवा देता हूं पहले, 10 में आपको प्रूफ करना है कि रूट टू बराबर है 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड पे बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज आपको जो भी गिवन है जिसकी जो बाइनोमियल फॉर्मूला है, जो भी बाइनोमियल आपके पास आ रहा होगा, तो प्रूफ करो कि वो जो चीज आ रही होगी ना वो क्या होगी, वो रूट टू होगी। तो अब क्या करो, सिंपल इसको सॉल्व करो, एन एक्स की वैल्यू निकालो, जो एन एक्स आ रहा होगा उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रूट टू आना चाहिए, मतलब इसकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको जब सिंप्लीफाई करो तो रूट टू आना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में जैसे आप पहले बाइनोमियल का सम निकालते थे ना, तो बस अब आपको इस बाइनोमियल का सम प्रूफ करना रूट टू के बराबर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो स्टार्ट करो, सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन से बेहतर है कि प्रूफ लिख दो आप, तो वही काम करना है आप, लेट कर लो यहां पे कि 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर है 1 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 4, और आगे लिखने का फायदा नहीं है, बट आपको पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन जो है ये तो बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन सॉरी मल्टीप्लेक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो आपस में कंपेयर करवा लो इनको, तो आप लिखो बाई कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि एन एक्स जो है बच्चों वो किसके बराबर है 1 अपॉन 4 के बराबर है, और एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 16 के बराबर हो जाएगा, इसको 1 बोल देना इसको 2 बोल देना, एंड एन एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 5 से, मतलब 3 अपॉन 32, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 3। वही काम करना है आप डिवाइड कर दो, आप लिखो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2 डिवाइड कर दो आप, क्या होगा ये हो जाएगा n n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अच्छा ये है 3 अपॉन 32, ये है 1 अपॉन 16, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक n से ये वाला n कैंसिल, अच्छा 16 वन जा 16 16 टू जा 32, तो पीछे बचेगा n माइनस 1 2 n ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, तो 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल, मसला ही हल, तो यहां पे 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई करवा दो बेशक n माइनस 1 ही रहेगा, और इस n को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो 3n, इस n को उधर ले आओ
तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2n बचेगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो n तो आ गया आपका, जैसे n आ गया तो अब आपके लिए इतनी कोई मुश्किलात नहीं है, n पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पे -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, 1/2 है इस माइनस को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू भी क्या आ रही है बच्चों, -1/2 ही आ रही है। तो अब वक्त आ गया है, ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। तो अब होगा ये कि आप ये कह लो कि जो इक्वेशन नंबर ये जो है ना, इसको a कह देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो a है ना, ये किसके बराबर आ रही है, जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है 1 + 1/2, या इसको इस तरह कर लो, इसी तरह कर लेते हैं 1/2, देखने में अच्छा लगेगा, वैसे तो कोई फर्क नहीं, किसी तरह भी आप कर लो, लेकिन स्टेप अच्छे लगेंगे थोड़े। डॉट 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 डॉट, ये पूरी इन्फिनिट जो सीरीज है वो किसके बराबर है, जगह नहीं है मेरे पास, मैं नीचे लिख देता हूं, ये पूरी चीज जो है ये बराबर है किसके, 1 + x^2 n के। x n आपने निकाल लिया 1, x यहाँ पे क्या है -1/2, n यहाँ पे क्या है -1/2। तो बेसिकली ये जो पूरी इन्फिनिट सीरीज है वो इसके बराबर है, वो इसकी इन्फिनिट सीरीज है, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये पूरी आ रही होगी। तो उसका सॉल्व करते हैं, 1 में से 1/2 निकालो तो 1/2 ही बचता है। अगेन मैंने कहा था माइनस जो है ना वो हटा दो और रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, लिखो ना लिखो बात एक ही है, और 2 की बात 1/2 मतलब √2। सवाल जो है बच्चों आपका प्रूव हो गया, चाहो तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख देना यहाँ पे कि जो पूरी इन्फिनिट सीरीज थी वो किसके बराबर आ गई, √2 के बराबर आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से करोगे, पहले 11 मेंशन कर देते हैं। 11 क्या है कि आपको प्रूव करना है 3 मतलब √4 - 1, ये पूरी चीज बराबर है 1/4 + 1 × 3 / 4 × 6 + 1 × 3 × 5 / 4 × 6 × 8 ... इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही होगा, देखो शुरू में आपने इस चीज को कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें 1 नजर नहीं आ रहा। आप क्या करो, आप जैसे नॉर्मल सवाल को सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो, 1 वाली कहानी बाद में देख लेंगे। तो आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि यहाँ पे 1 मौजूद है, तो आप क्या कर लो, आप लेट कर लो 1 + 1/4 + 1 × 3 × 4 × 6 ... आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल लेट करते हो ना वैसे ही लेट कर लो यहाँ पे। उसके बाद इसे कंपेयर करवाओ, एन एक्स की वैल्यू आ रही है 1/4, ये हो जाएगा 1/16, और इसकी वैल्यू आ रही है 3/24 है मतलब 1/8 आ रही होगी। चाहो तो मेंशन कर दो 3/24, सॉल्व करो तो 1/8 आ रही होगी, 3/8 = 24 होता है ना। उसके बाद अगेन इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 3/2। तो 3 क्या है, n - 1/2 x² डिवाइड करोगे बच्चों n² x² से, राइट हैंड साइड पर डिवाइड करते हैं 1/8 / 1/16 अगेन ये कैंसिल, n से ये वाला कैंसिल, n - 1/2 n 8 1 8 8 2 16। तो ऊपर है 1, नीचे है 1/2, ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो ये पूरी चीज बराबर हो जाएगी 2 के, ठीक है। तो ये मतलब ऊपर 1 बचा हुआ था, नीचे 1/2 बचा हुआ था, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 1 = 4n। इस n को इधर ले आओ, 4n - n, और ये 3 बचेगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये n आपके पास आ गया, पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, n की जगह -1/3, x 1/4। तो सॉल्व करो, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस भी मतलब एक ही बात है, इतनी मुश्किल बात नहीं है, -3/4 आंसर आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस को शिफ्ट करवा दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको कंसीडर करोगे, जरूरत आपको इधर ही पड़ेगी, आप इसको इस तरह कंसीडर करो कि इक्वेशन नंबर ए किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर ए ये वाली है, ये बराबर है 1 + 1/4 + 1/3 × 4 × 6 ... ये किसके बराबर आई है, ये बराबर आई है 1 + x की पावर मतलब होल पावर n
वन है ये, एक्स है माइनस थ्री अपॉन फोर, एन है माइनस वन अपॉन थ्री। अब इसके नीचे आपने सॉल्व करना है वो मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मतलब इस इक्वल के बाद आपने जो सॉल्व करना है मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं। तो फोर वन जा फोर, फोर माइनस थ्री क्या होता है वन अपॉन फोर, ये हो जाएगा वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन थ्री। अगेन माइनस कंपनसेट करने के लिए रेसिप्रोकल करो, ये हो जाएगा फोर की पावर वन अपॉन थ्री, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ फोर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ये चीज लिखी हुई, आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड से उठा के वन को इधर ले आओ, तो वन इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखो, इस वन को उधर शिफ्ट करवा दो, तो यहां पे क्या बचेगा वन अपॉन फोर वन मल्टीप्लाई थ्री फोर मल्टीप्लाई सिक्स प्लस अगली टर्म क्या थी वन थ्री फाइव डिवाइडेड बाय फोर सिक्स एट, पूरी किसके बराबर है थ्री रूट फोर, और ये जो वन था ये आप उठा के राइट हैंड साइड पे ले आए माइनस वन। तो सवाल आपका प्रूव हो जाएगा कि वन अपॉन ये पूरी इन्फिनिट सीरीज जो है वन अपॉन फोर करके ये किसके बराबर है थ्री रूट फोर माइनस वन के बराबर है। डिफरेंट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड जिसको राइट मैंने बना दिया राइट को लेफ्ट बना दिया कोई इशू नहीं, तो ये आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है यार, देखो मैंने फेयर स्टेप आप लोगों को काफी करके दिखाए हैं, जो मेन आइडिया वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, इतना टाइम भी नहीं है। 13-14 में दोनों करवाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग कोई गलती ना करो इसके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल 13 देखते हैं, मैं प्रॉपर स्टेप करके नहीं दिखा रहा इसमें, मैं बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी आपको बस बता दूंगा कि यहां पे आपको कंडीशन क्या गिवन है कि गिवन दैट आपको गिवन क्या है कि वाई जो है ये बराबर है थ्री अपॉन फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई फाइव डिवाइड बाय फोर मल्टीप्लाई एट प्लस थ्री फाइव सेवन डिवाइडेड बाय फोर एट ट्वेल्व डॉट डॉट डॉट, और नीचे लिखा हुआ प्रूफ क्या करना है कि वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो है। तो चाहो तो सवाल में मेंशन कर देना, ये तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्ट, आप ऊपर सवाल में मेंशन कर देना कि वाई इक्वल टू ब्ला 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 जो भी है, वी हैव टू प्रूव दैट वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। प्रूफ स्टार्ट करने के बाद लिख देना गिवन दैट आपको ये चीज गिवन है, इसके बाद आप स्टार्ट कर देना। आप किस तरीके से करोगे इसके अंदर, देखो बाइनोमियल में आपने कन्वर्ट करना है, इसमें आपको वन नजर नहीं आ रहा तो वन तो लाना पड़ेगा आपको। आप क्या करो यहां पे करना एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप वन ऐड करो तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई, ये हो जाएगा वन प्लस थ्री अपॉन फोर थ्री डॉट फाइव फोर एट प्लस थ्री डॉट फाइव डॉट सेवन डिवाइड बाय फोर एट ट्वेल्व। अगेन डॉट मतलब यहां पे मल्टीप्लीकेशन है ये। उसके बाद अगर वही आप लोग काम करते हो जो लेट करते हो कि वन प्लस एक्स की पावर है, ये जो पूरी बायनोमियल इन्फिनिट सीरीज आई है इसको आप लेट कर लेना, नीचे से भी लिख लेना, ठीक है। लिखने के बाद वही बट की वर्डिंग लिखते हो कि बट आपको पता है वन प्लस एक्स की पावर एन बराबर है वन प्लस एन एक्स प्लस जो भी डॉट 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 जो आ रहा होता है ना, दो तीन टाइम मेंशन कर देना। ये करने के बाद अगेन वही यार कंपेयर करना है आपने, इसको नाम दे देना ए का, अभी काम आएगी है। तो कंपेयर करना एन एक्स जो है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बहुत दफा की है, एन एक्स थ्री अपॉन फोर है, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा नाइन अपॉन सिक्सटीन। उसके बाद एन एन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 अपॉन 32 के, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो होगा क्या, जब आप डिवाइड करोगे ना, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं आप लोग स्टेप बना लेना, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा n n माइनस वन अपॉन टू एन, ये तो आता ही आता है। 15 अपॉन 32 को डिवाइड करोगे 9 अपॉन 16 से, 15 अपॉन 32 9 अपॉन 16 ये हो जाएगा 2, 9 3 जा ये हो जाएगा 5 जा, तो 5 अपॉन 2 3 ये 3 मल्टीप्लाई आगे 5 अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 अच्छा ऊपर ये n नहीं होगा, 3n माइनस 3 इक्वल टू 5 n, ये हो जाएगा 2n इक्वल टू माइनस 3, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 अपॉन 2। ये जहां तक अभी मैंने सॉल्व किया ये यार अगेन ही गिवन है, पहले से मैं सॉल्व कर चुका हूं, आप लोगों करवा चुका हूं ये मैं। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है वही है पूरी, बार बार रिपीट कर रहे हैं ये चीज ही, तो वही n की वैल्यू आ रही है, ये n की वैल्यू जो आई है इससे आप निकालो x की वैल्यू, जब आप यहां पे पुट करोगे माइनस 3 अपॉन 2 3 अपॉन 4 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ रही होगी माइनस 1 अपॉन 2। तो कहने का मतलब जब ये दोनों वैल्यूज आते हैं आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर ए कंसीडर करनी है, इक्वेशन नंबर ए जो है उसमें कंसीडर करो 1 प्लस चलो इक्वेशन नंबर ए कंसीडर ना करो, इसमें आप इसको इक्वेशन नंबर बी कह देना,
तो आप इक्वेशन नंबर बी पहले कंसिडर करना, क्योंकि इक्वेशन नंबर बी में 1 प्लस 3 प्लस जो भी है 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 8 जो भी है, ये किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 2 और n क्या है माइनस 3 अपॉन 2। तो सॉल्व करो, ये पूरी चीज हो जाएगी 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8 की पावर 2। उसके बाद आप क्या करना, आप इक्वेशन नंबर ए कंसीडर करना। इक्वेशन नंबर ए में अगर आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड साइड में था 1 प्लस वाई और राइट हैंड साइड पे पूरी इन्फिनिट सीरीज थी, जो कि आपने निकाल ली किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 सिंपल है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे स्क्वायर रूट 8, क्योंकि इक्वेशन नंबर ए पे पूरी इन्फिनिट सीरीज थी जिसका आपने सम निकाल लिया किसके बराबर है रूट 8 के बराबर है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, मेंशन करना चाहो तो कर लेना, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8, y स्क्वायर प्लस 2y, 8 को तो लाना सब्ट्रैक्ट होगा। ये लो बच्चों आपका सवाल प्रूव हो गया कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो बिल्कुल वही स्टेप करने, यहां तक तो आप हर सवाल में करते हुए डालते, बस एक्स्ट्रा काम यहां पे करना है और आपका प्रूव हो जाएगा। ये एग्जांपल बुक में भी लिखी हुई है, एग्जाम में भी आ चुकी है, मैं बता देता हूं ये पेज नंबर आपको मिलेगी 2 पे, एग्जैक्ट इसी टाइप की एग्जाम्पल है, अगर आप उसमें देखो वही ऐड करवाया हुआ है, यही सेम स्टेप है, कोई इसमें फर्क नहीं है, सब काम वही करना है, एंड पे वहां पे रूट 3 सम आ रहा है। तो बुक ने यहां पे अच्छा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 में ना ये चीज x के बराबर गिवन है, जैसे हमारी y के बराबर है ना तो ये x के बराबर है, तो फिर जब आप बाइनोमियल लिखो ना तो बाइनोमियल को आप y के टर्म में लिख देना, क्योंकि ये x के टर्म में ये भी x के टर्म में, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, x की वैल्यू आए वो आप यहां पे ना पुट कर दोगे। तो सिंपल लैंग्वेज में इस बाइनोमियल को 1 प्लस वाई की फॉर्म में लिख देना, जैसे वेरिएबल मतलब यहाँ पे x लिखते थे अब वहां पे y लिख देना, बाइनोमियल जो है 1 प्लस वाई की पावर n में जहां जाए x आता था x स्क्वायर x क्यूब तो y y स्क्वायर y क्यूब आ जाएगा, मतलब ये n y हो जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे एक n की वैल्यू आएगी एक y की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आप पुट कर देना इसका आंसर रूट 3 आ रहा होगा, रूट 3 को बराबर रखना है इसके, ये होगा 1 प्लस x। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ पेज नंबर 291 पे, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम में आ चुकी है, तो एग्जैक्ट वही काम करोगे एंड पे आपके पास इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। करना क्या 14 में क्या गिवन है, 14 में गिवन है इफ y इक्वल टू, मतलब इस सवाल को छोड़ दो यार, इफ y इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x डॉट डॉट डॉट, तो आपको प्रूफ करना है कि x बराबर है, पूरी लंबी लंबी चीजें लिखी है। तो बहरहाल आप क्या करना, वही एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ये कर लेना, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करोगे, आपको पता है 1 प्लस वाई ये किसके बराबर है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी मशहूर बाइनोमियल सीरीज है, मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन में बताया था 8.3 से पहले कि है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 है, ये उसके बराबर होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो ये एक्स इक्वल टू पूरी बाइनोमियल आ रही है, अब ये आप कैसे निकालोगे, आपको इतना पता चलेगा 1 प्लस वाई इसके बराबर है। आप क्या करो यहां पे, सबसे पहले आप पावर माइनस 1 अपॉन 2 दोनों तरफ ले लो, यहां पे आपने पावर माइनस 1 अपॉन 2 ले ली, इसी तरह यहां पे भी आप पावर माइनस 1 अपॉन 2 ले लो दोनों तरफ, जैसे आप स्क्वायरिंग करते हो दोनों तरफ यहां पे माइनस 1 अपॉन 2 पावर ले लो, तो होगा ये माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 के, और एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस वाई की पावर माइनस 2, ये x की वैल्यू आती है, दैट्स इट। आपने क्या करना है, इसके बाद आपने डायरेक्ट यहीं पे बाइनोमियल अप्लाई कर देना, यहीं पे आप इस स्टेप के बाद का फार्मूला मेंशन कर देना कि बाइनोमियल का फार्मूला क्या होता है, चाहो तो y के टर्म में कर देना क्योंकि y वाले को आपने एक्सपेंड करना है, तो फार्मूला मेंशन कर देना कि 1 प्लस y की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ny प्लस n n माइनस 1 अपॉन 2y स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, जो भी है मेंशन करने के बाद फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या है कि 1 लिखो प्लस एन वाई प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई स्क्वायर, और एक और टर्म कर देते हैं इसके बाद माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या होगा वाई क्यूब, क्यूब तक मेंशन कर दो, बुक वालों ने 4 तक मेंशन किया हुआ, कोई मसला नहीं है, आप क्यूब तक कर लो काफी है।
और बिल्कुल उसी फॉर्म में करना जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, तो उसी फॉर्म में हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा, आप काम करो, एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो सबको और सिंप्लीफाई भी करो। तो ये वाला मन अपनी जगह पे, ये माइनस वन से होगा, ये हो जाएगा माइनस वन, ये अच्छा यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा वन अपॉन टू वाई। अच्छा इसी तरह ये वाला नेगेटिव यहां पे आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर है माइनस वन अपॉन टू, जब इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू, नीचे आ रहा है टू, ये हो गया वाई स्क्वायर। फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो नेगेटिव, ऊपर होगा माइनस वन अपॉन टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो माइनस थ्री अपॉन टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो माइनस फाइव अपॉन टू, और डिनोमिनेटर में थ्री फैक्टोरियल था जो कि बराबर होता है सिक्स के, और यहां पे आ रहा है वाई क्यूब, आगे आप डॉट 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 लगा दो, दैट्स इट। वो एक्स्ट्रा आई थिंक टर्म निकालने की जरूरत नहीं, मुश्किल सवाल बनेगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स बराबर है वन अपॉन टू वाई के, अच्छा जी, उसके बाद माइनस माइनस ही तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बात खत्म। तो आप बिल्कुल बुक वाली फॉर्म में लाओ, बुक में लिखा हुआ है वन थ्री, नीचे लिखा हुआ टू स्क्वायर टू फैक्टोरियल, तो आप एक काम करो उसको टू फैक्टोरियल लिख दो, बिल्कुल बुक से कंपेयर करते हैं। ऊपर आपके पास वन है मल्टीप्लाई थ्री है, ये टू टू जा टू मल्टीप्लाई टू टू स्क्वायर, ये नीचे टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, तो टू स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है टू फैक्टोरियल से, ये वाई स्क्वायर अपनी जगह पे है। इसी तरह बिल्कुल इसको भी बुक की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहली बात माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, जो इससे मल्टीप्लाई की क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन थ्री फाइव और टू टू टू, ये हो जाएगा टू का क्यूब, टू का क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेसिकली सिक्स क्या था, सिक्स थ्री फैक्टोरियल था ना, तो बुक में थ्री फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो आप एक्जेक्ट मैच करवा के थ्री फैक्टोरियल लिख दो, और ये वाई क्यूब जो है अपने जगह पे। चाहो तो आप इसके आगे एक और टर्म भी निकाल सकते हो, उसकी टर्म नेगेटिव आएगी, इसके अगली टर्म जो है वो क्या होगी, माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू माइनस फाइव अपॉन टू माइनस सेवन अपॉन टू, नीचे आएगा फोर फैक्टोरियल, यहां पे आएगा वाई फोर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 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 पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव मतलब जो चौथी टर्म जो इसके बाद जो टर्म आएगी, ये वाला नेगेटिव उससे मल्टीप्लाई होकर इसको नेगेटिव कर देगा, और ये तो सब पॉजिटिव है ना, तो एक शॉर्ट आपके पास नेगेटिव आ रहा होगा यहां पे, क्योंकि ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये वाला नेगेटिव कैसे आया, ये माइनस उस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला नेगेटिव आपको मिल रहा होगा। तो टर्म क्या होगी, टर्म होगी वन थ्री फाइव सेवन, टू चार दफे तो टू की पावर फोर मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल वाई की पावर फोर, ये इससे अगली टर्म ये वाली आ जाएगी, तो आपका सवाल प्रूव हो जाएगा। नीचे लिख देना कि हेंस एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा पूरी बायनोमियल सीरीज के, जो भी आ रहा होगा सवाल आपका प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों 8.4 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, सॉरी 8.5, पूरा चैप्टर 8 डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ खत्म नहीं किया, बल्कि हमने निचोड़ के फेंक दिया उसको, कि अब किसी को इश्यू नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, और वो आखिरी बचा है, सबको हमने मार दिया अभी तक, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सब चैप्टर खत्म हो गए, चैप्टर 5 रह गया, उसको भी इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स में हम खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।